अब हमारी इस प्यारी सी मूवी की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना लाइव टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट कर रही होती है, और तो और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं जो कि उसका लाइव टेलीकास्ट व्यू कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो एक लड़के से टकरा जाती है और उस लड़के के पैनकेक्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो लड़की उसे माफ़ी मांगने के बदले उस पर ही चिल्लाए जा रही थी कि तुम देख के नहीं चल सकते क्या। हालांकि उस लड़की का ध्यान तो फ़ोन में था, उसे देख कर चलना चाहिए था। यहाँ पर उसका कैमरामैन भी बोलने लगता है कि यह हमारी स्टार मॉडल का स्टाइल है, तुम इसे कुछ नहीं बोल सकते। बेचारा वो पैनकेक वाला लड़का उसे कुछ भी नहीं बोलता। और इस लड़के का नाम हाजू होता है जो हमारे मूवी का मेन मेल लीड है। और तो यहाँ पर वो हमें अपने बारे में बताने लगता है कि उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन जिस टाइम उसने उस पैनकेक को उठाया उस टाइम से उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल चुकी थी। एंड यहाँ पर समय बदलने लगता है और उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो उसे उसके पैनकेक्स देने लगता है और कहता है कि तुम ये खा सकते हो। यहाँ पर हारू उसे शुक्रिया बोलता है, साथ साथ में हारू उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो नोटिस करता है और कहने लगता है कि हम दोनों के कपड़े तो सेम है, क्या हम दोनों सेम ही कंपनी में काम करते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर वह सभी लोग सिग्नल पर खड़े होते हैं। फिर यहाँ पर पीछे से एक लड़का आता है जो उस गोंग को धक्का मार देता है, और तो गोंग का फोन नीचे गिर जाता है। गोंग अपना फोन देख रहा होता है नीचे से, तो दूसरी ओर मिनी नाम की एक लड़की खड़ी थी और यहाँ पर मिनी को लग रहा होता है कि गोंग उसकी स्कर्ट के नीचे से फोटो ले रहा था, तो मिनी चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पर हारू मिस्टर गोंग का फोन ले लेता है। दूसरी ओर मिनी तो मिस्टर गोंग पर चिल्ला ही जा रही थी। गोंग कह रहा था कि मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लेकिन यहाँ पर मिनी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी, और तो और वो हारू के हाथ से फोन ले लेती है। एंड इसके बाद में वो उसकी गैलरी चेक करने लगती है एंड बोलने लगती है कि जरूर तुमने उसे मेरे जब नहीं देख रही रहूंगी तब डिलीट कर दिया रहेगा। गोंग उसे कहे जा रहा था कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिनी बोल रही थी कि चुप रहो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर हारू कुछ बोलने ही जा रहा था लेकिन मिनी उसे थप्पड़ मारकर चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि अच्छा तभी मैं समझूं तुम दोनों ने सेम कपड़े क्यों पहने हैं, ये तुम दोनों मिलकर काम करते हो, और तो न जाने तुम लोग किस गैंग के मेंबर रहोगे। यहाँ पर मिनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है और उसने तो सभी पब्लिक वालों को तो इकट्ठा भी कर दिया था। बोलने लगती है कि रुको मैं अभी को पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। तो फिर गोंग और हारू उसे समझा रहे होते हैं। यहाँ पर बाकी के लोग उनकी बुराइयां करने लगते और कहते हैं कि न जाने आजकल इस दुनिया में कैसे लोग होते हैं जो मिलकर इतनी गंदी हरकतें करते हैं। फिर तो यहाँ पर एक लड़का होता है जो गोंग को मारने आने वाला था। यहाँ पर हारू नोटिस करता है कि ओल्ड मैन के पास सब्जियों की टोली है जिसमें एग्स भी रखे हुए हैं, तो फिर हारू उसकी टोली पूरा कर लेता है और तो यहाँ पर उन सब पर फेंक कर मारने लगता है। हारू बड़े ही स्टाइल में सबको मारता है, लेकिन इतने में एक लड़का आता है जो उसके मुंह में एग डाल देता है और उसके सर पर कांच का ग्लास वो देता है। हारू बेचारा यहाँ पर बेहोश हो जाता है, ऐसा कि जैसे वो मर ही चुका हो। और तो हम उसके गले में एक व्हाइट कलर का जेड का पेंडेंट देखते हैं जो कि ब्लिंक होने लगता है और तो उसमें से रोशनी भी आने लगती है। इसके बाद में हारू की नींद खुलती है तो एक अंधेरी जगह में होता है जहाँ पर बहुत कम सी लाइट थी। एंड इसके बाद में यहाँ पर एक बुड्ढो सा आदमी आता है जिसके बड़ी बड़ी डायरिया होती है और तो वो एकदम मॉन्क की तरह दिख रहा था, ऐसा मानो कि जैसे वो बहुत बड़ा साधु संत हो। और यहाँ पर वो हारू को देखता है, जहाँ पर वो हारू को देखते ही अपने मंत्र शुरू कर देता है और बहुत सारे एक्शंस करता है और वो सारी की सारी मंत्र और एनर्जीज उसकी तरफ ट्रांसफर कर देता है, जहाँ पे हारू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और हारू यहाँ पर वापस से बेहोश हो जाता है। लेकिन वो एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है जहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड में था और वो ठीक उसी रोड पर लेटा हुआ था। लेकिन वो जैसी अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों से भी रोशनी आने लगती है। बाद में यहाँ पर गोंग से कहता है कि उठो उठो वो सब यहाँ से चले गए, और तो हारू से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या गया था। तो गोंग उसे बताने लगता है कि तुम्हें किसी ने बहुत जोर से मार दिया था जिस वजह से तुम यहीं पर बेहोश हो गए थे और तुम बहुत टाइम बाद उठे हो, चलो मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। हारू यहाँ पर उठता है, इतने में ही सामने से एक लग्जरियस कार आती है जिसमें से एक प्यारी सी लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम शाओ होता है। यहाँ पर बाद में गोंग उसे शाओ से इंट्रोड्यूस करने लगता है और बोलता है कि ये गोंग है, ये मेरी डॉटर है। हारू यहाँ पर शौक हो जाता है कि मिस्टर गोंग के जो कपड़े हैं वो तो मेरे नॉर्मल वर्कर्स जैसे, और यहाँ पर उसकी बेटी इतनी लग्जरियस कार से बाहर निकल रही है। दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो शाओ की ओर देखता है उसकी आंखों में से वापस से रोशनी आने लगती है, और तो और वो उसके
अंदर के वेस्ट को देख लेता है जहाँ पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना होता है। तो फिर वो शाह को बोलने लगता है कि तुम्हारे वेस्ट पे बटरफ्लाई का टैटू है क्या। यहाँ पर शाह ये बात सुनते ही उसे थप्पड़ मार देती है और तो और बेचारे हारू की नाक से भी खून आने लगता है। गोंग बोलने लगता है कि बेटी तुमने इसे मारा क्यों। तो फिर शाह बोलने लगती है कि आप इसकी बातों में बताइए, ये तो एक ठग है और तो और गुंडों की तरह है, देखो ना कैसे परवर्ट की तरह बातें कर रहा है। इसके बाद में हारू मिस्टर गोंग से माफी मांगता है। जहाँ पर वो मिस्टर गोंग की तरफ देखता है तो फिर वो मिस्टर गोंग के हार्ट को देख लेता है जहाँ पर उसके हार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम नजर आ रही थी। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि आपका क्या तबीयत ठीक है, मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपके दिल में कुछ तो हुआ है। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि इस पागल की बात पर डैड आप ध्यान मत दो, ये न जाने कुछ भी बोलता रह रहा है। यहाँ पर बाद में वो शाह मिस्टर गोंग यानी कि अपने डैडी को लेकर वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर हारू उसे कहता है कि आपको हॉस्पिटल जाकर एक बार चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन शाह बोलने लगते कि नहीं, मेरे डैड बिल्कुल ठीक है, तो मेरे डैड पर ध्यान मत दो। और वो लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। हारू यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर उसे अपना सपना याद आने लगता है और उसे वही वो ओल्ड मैन दिख जाता है जो कि उस पे तंत्र मंत्र कर रहा था और सारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे गोल्डन आइज तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और हारू समझ जाता है कि अब उसके पास गोल्डन आइज है यानी कि आई ऑफ गॉड, जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें स्कैन कर सकता है, देख सकता है और समझ सकता है। यहाँ पर बाद में हम शाह को और मिस्टर गोंग यानी कि उसके डैड को देखते हैं जो कार में बैठकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर शाह ने बोलने लगती है कि डैड मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप फैक्ट्री में मत जाया करिए, वो भी वर्कर से कपड़े पहनकर, आप तो उस फैक्ट्री के मालिक हो, सबको लगने लगेगा कि आप भी वर्कर हो, फिर ना जाने वो लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पर गोंग बोलने लगता है कि तुम मेरी फैक्ट्री की चिंता मत करो, मैं तो बस वहाँ पर काम देखने गया था कि वो लोग एज अ वर्कर कैसा काम कर रहे हैं। मैं अगर चेयरमैन बनकर जाऊँगा तो वो लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अगर मैं वर्कर बनकर जाऊँगा तो वो लोग मेरे साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगे जैसा वो अपने रियल लाइफ में रहते हैं। फिर यहाँ पर वो ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने के लिए बोलता है जहाँ पर शाह बोल रही होती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो उसका डैड उसे कहने लगता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और तो और वो बोलने लगती है कि आप उस पागल से लड़के की बातों पर विश्वास करते हो। मिस्टर गोंग बोलने लगते कि हमें एक बार जाकर हॉस्पिटल में चेक करवा लेना चाहिए। शाह यहाँ पर उसे बोलने लगते कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोले जा रहा था, मुझे तो वो कोई मेंटल इंसान लगता है। मिस्टर गोंग बोलने लगते है कि भले तुम उस पर ट्रस्ट ना करो लेकिन मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए हमें एक बार हॉस्पिटल जाकर चेक करवा लेना चाहिए। फिर यहाँ पर हम हमारे हीरो हारू को देखते हैं जहाँ पर वो अपना डिनर करने के लिए बैठ गया होता है। लेकिन जैसे वो डिनर शुरू करने वाला था उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो उसने बोलने लगती है कि ना जाने मेरे बेटे को क्या हो गया है, तुम कब सुधरोगे, मैं तुम्हें अभी ही वॉर्न कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारी एक ब्लाइंड डेट सेट की है। तो हारू तुरंत ना बोल देता है। माँ बोलती कि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, मैं बस बोल जाऊँगी और तो और कल तुम्हें 10 बजे उस होटल में आकर रुकना होगा जहाँ पर तुम्हारी ब्लाइंड डेट आएगी और ध्यान रखना तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। हारू उन्हें ना बोल रहा होता है लेकिन उसकी मम्मी उसका फोन कट कर देती है। फिर यहाँ पर हारू टेंशन में आ जाता है एंड जैसे ही वह लंच करने जाता है हम थोड़ा आगे का सीन देखने लगते हैं जहाँ पर वो अपनी मम्मा के साथ ब्लाइंड डेट वाले लोकेशन पे होता है। उसकी मम्मा बोलती तुम खा क्या जाओ, हम यहाँ पर खाने नहीं तुम्हारे लिए बहुत ढूंढने आया है। तो फिर उसका बेटा उसे बोलने लगता है कि मॉम आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करती हो, मेरे लाइफ में ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल वुमन है जो कि आप हो, अलावा और कौन चाहिए। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। इतने में यहाँ पर वो ब्लाइंडेड वाली लड़की और उसकी मम्मा आ जाती है जहाँ पर जैसे ही हारू का ध्यान उस ब्लाइंडेड वाली लड़की पर जाता है वो शाह निकलती है और शाह और हारू दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। लेकिन जब उसे ध्यान से देखता तो वो शाह नहीं बल्कि मिनी होती है और बाद में मिनी उसे पूछ लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड हम सीधा दूसरे वाले सीन में जंप कर लेते हैं जहाँ पर हम शाह को देखते हैं और उसके डैडी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने रिपोर्ट निकलवाने के लिए होते हैं और उनके रिपोर्ट्स आ जाते हैं। डॉक्टर बोलने लगते कि आपकी हेल्थ तो एकदम ठीक है और आप बहुत स्ट्रांग हो। फिर बाद में शाह अपने डैड को बोलने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना उस अनजान इंसान की बातों पर विश्वास करने का कुछ फायदा नहीं होगा और तो वो पागल है, हमें उसके लिए कुछ करना होगा। इतने में ही नर्स आ जाती है जो डॉक्टर को दूसरी रिपोर्ट देकर माफी मांगने लगती है और कहती है कि गलती से रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गए थे। ये बात सुनते ही शाह शॉक हो जाती है
जहाँ पर डॉक्टर जब अपनी रियल रिपोर्ट बताने लगते हैं तो उसमें साफ साफ नजर आ जाता है कि उसके डैड को हार्ट में प्रॉब्लम है और अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेज चल रहा है। अच्छा हुआ कि वो जल्दी आ गए, अगर वो आराम से आते, देरी करते तो फिर उनकी सर्जरी होने में प्रॉब्लम होता, क्योंकि हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है और डेलिकेट भी, जिसपे सर्जरी करना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसके डैड ये बात सुनकर शौकी हो जाते हैं, क्योंकि हारू ने भी ठीक उन्हें ऐसे ही बात बोली थी। एंड फिर हम वापस से यहाँ पर हमारे ब्लाइंड डेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिनी अपनी मम्मा को बोलने लगती है कि मॉम, यही वो लड़का है जो कल रात को मेरी स्कर्ट के नीचे से फोटो खींच रहा था। यहाँ पर हारू बोलने लगता है कि आपकी बेटी को कोई मेंटल इशू है, इसे ट्रस्ट करने आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, आपकी बेटी को लग रहा था कि हम उसका फोटो निकाल रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में मिनी बोलने लगती है कि मॉम, इसकी बातों पर विश्वास न करिए, आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, ये कुछ भी बोले जा रहा है, आखिर लड़के थोड़ी ना कभी अग्री करेंगे कि वो ये सारे काम करते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर गुस्सा आने लगती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास घर है। हारू ना बोल देता है तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो हारू वापस से ना बोल देता है। और उसकी मॉम यहाँ पर खड़े होकर गुस्सा आने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ क्यों करवाऊँ और अपना टाइम वेस्ट करने में यहाँ पर चली आई। फिर यहाँ से वो जाने लगती है मिनी को लेकर। यहाँ पर हारू भी कहता है कि जाओ जाओ, लेकिन यहाँ पर हारू की मम्मा उन्हें रोक कर बोलने लगती है कि हम थोड़ा बैठ कर बात करेंगे तो मैटर सॉल्व हो सकता है। फिर बाद में मिनी की मम्मा उन्हें कहने लगती है कि नहीं, आपने हमें यहाँ पर बुलाया हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए, आपका लड़का कोई भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, न कार है न घर है, उसके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी एक नंबर का परवट है जो लड़कियों की गंदी गंदी फोटोज निकालता है। यहाँ पर उसकी मामा उसे रोकना चाहती है, लेकिन मिनी की मम्मा उसे धक्का मारकर सोफा पर गिरा देती है। हारू को ये चीज़ देखकर गुस्सा आता है और वो उसकी मॉम को रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ हो रहा है ना, तुम्हें मेरी मॉम को टच करने की क्या जरूरत थी। मिनी बोलने लगती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मेरी मॉम पर क्या चिल्ला रहे हो। तो फिर हारू की मॉम भी बोलने लगती है कि मिनी, ये दोनों बात कर रहे हैं, तुम बीच में अपनी टांग क्यों लड़ा रही हो। फिर मिनी की मॉम उसकी हारू की मॉम को उसे चिल्लाने लगती है। यहाँ पर हारू बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। मिनी बोलने लगती है कि इंस्टाग्राम पर तो बड़े डेंगे मार के फोटोज पोस्ट कर रहे थे, इतनी लग्जरियस कार, लग्जरियस घर के पास में, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है रियल में। फिर हारू अपनी सैलरी बताने लगता है। मिनी की मॉम हंसकर बोलने लगती है कि बस इतनी सी सैलरी, मेरी बेटी तो एक वाइट कॉलर वाले लड़के के साथ शादी करने वाली है जिसकी मंथली सैलरी ही 3 लाख है, जो तुम्हारी ईयरली सैलरी भी मिलाकर नहीं हो पाएगी। और तो और वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करकर जाने लगती है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और हारू से माफ़ी मांगने लगती है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, अगर मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया होता तो अभी ये सब नहीं हो रहा होता। हारू यहाँ पर अपनी मम्मा को शांत करवाता है और कहने लगता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, आपको पता नहीं है कि आपका बेटा कितना स्मार्ट है। इतने में ही वहाँ से कुछ बॉडीगार्ड्स और उनका असिस्टेंट आने लगता है, जहाँ पर हारू उन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो असिस्टेंट उन्हें कहने लगता है कि क्या आप ही हारू बेजिन हो। यहाँ पर हारू हाँ बोलता है तो वो कहने लगता है कि आपने हमारी मास्टर की जान बचाई है, तो उन्होंने आपको स्काई होटल में इनवाइट किया है और ये रहा मेरा कार्ड, आप वहाँ पर ज़रूर आ जाना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में उसकी मॉम हारू से पूछने लगती है कि कहीं तुम उल्टा सीधा तो काम नहीं कर रहे हो। हारू यहाँ पर उन्हें बोलने लगता है कि मॉम, आपने देखा नहीं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उनके चेयरमैन की जान बचाई है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर बाद में वो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद में हम शाओ को देखते हैं और उसके डैड को, जहाँ पर शाओ बोल रही होती कि अच्छा हुआ हमने पहले ही टेस्ट करवा दिया, तो उसके डैड बोलने लगते कि हमें सारा शुक्रिया अदा उस लड़के को करना चाहिए जिसने हमें टेस्ट करवाने के लिए भेजा था। शाओ बाद में बोलने लगते कि हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने कह दिया था कि वो पागल है, क्योंकि न जाने वो कैसे बता सकता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसे माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हूँ। उसके डैड बोलने लगते हैं कि वो लड़का मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरी गट फीलिंग्स बोल रही है कि वो फ्यूचर में मेरा सन इन लॉ बनने वाला है, और तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है ना, तो क्यों ना तुम उसे शादी कर लो। यहाँ पर शाओ बनाना अपने डैडी के मुंह में ही डाल देती है और कहती कि नहीं, मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर उसका डैड उसे बोलने लगता है कि तुम एक बार उसे बात कर देखो और तो उसका इंटरव्यू देकर देखो, क्या पता थोड़ी देर बात करने के बाद तुम दोनों के बीच का
मैटर सॉल्व हो जाए और तुम दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी को जानने लगो। शाह पूछने लगती है वो कैसे, और यहाँ पर उसका डैड इविल स्माइल करने लगता है क्योंकि उसके डैड ने सारी की सारी प्लानिंग कर रखी थी। फिर बाद में दूसरा दिन आ जाता है जहाँ पर हमारा हारू उस लग्जरियस स्काई होटल में पहुंच जाता है और तो यहाँ पर वो असिस्टेंट को कॉल करके पूछने लगता है, तो असिस्टेंट उसे फ्यूअर बता देता है और कहता है कि मैं किसी को भेजता हूँ आपको पिक करने के लिए। लेकिन हारू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद बखुद ऊपर आ जाऊंगा। एंड यहाँ पर वो हर एक रूम में जाकर चेक करने लगता है क्योंकि उसे रूम नंबर ही नहीं पता होता। इतने में वहाँ पर मिनी आ जाती है जो उसे देख लेती है और उसे लगने लगता है कि हारू उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। तो मिनी उसे ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जाकर बोलने लगती है कि देखो मैं तुमसे अभी बोल रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो और मेरे बारे में सपने देखना छोड़ दो, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। हारू यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया हूँ, असल में मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगते कि झूठ बोलना बंद करो, इस बड़े से होटल में खाली बड़े बड़े लोग आ सकते हैं और तुम इतने छोटे हो, तुम कौन से रिच इंसान को जानते रहोगे, किसी को भी नहीं, और कोई रिच इंसान तुमसे मिलने की कोशिश क्यों करेगा। और मैं बता दूं यहाँ पर खाली व्हाइट कॉलर वाले लोग आते हैं, ऐसे एरे गेरे लोग नहीं आ सकते। तो फिर वो बोलने लगते कि मैं और एरे गेरा, तुम्हें लगता है मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तो फिर मिनी यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ तुम तो झूठ ही बोलते हो। फिर हारू बोलने लगता है कि तुम तो बड़ा डींगे मार रही थी ना कि मैं स्काई होटल में काम करती हूँ, और देखो तो तुम नॉर्मल वेटर का काम कर रही हो और बड़ी एक वाइट कॉलर वाली काम बोलने वाली। यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है, तो मिनी उसे मारने वाली थी लेकिन हारू उसका हाथ पकड़ कर नीचे कर देता है और बोलता है कि खबरदार तुमने अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो। और वो उसे पूछने लगती कि जरा बताओ कि तुम यहाँ पर किससे मिलने के लाए हो। हारू बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर गोंग से मिलने आया हूँ। फिर बाद में मिनी हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है मिस्टर गोंग कौन है। हारू बोलता है नहीं, बट उन्होंने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए इनवाइट किया है। तो मिनी बताने लगते कि मिस्टर गोंग कोई और नहीं बल्कि स्काई होटल पैलेस के मालिक है और वो तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम कौन से सपने देख रहे हो। हारू बोलने लगता है कि देखो मुझे ये सब नहीं पता है, उन्होंने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। मिनी बोलने लगती कि रुको मैं तो तुम्हें अभी बताती हूँ, एक तो यहाँ पर मुझे देखना आए हो पर से झूठ बोल रहे हो, मैं तुमसे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और यहाँ पर वो जीता को कॉल करके बुलाने लगती है जहाँ पर हारू बोलता है जिसे बुलाना है बुला लो, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। इतने में ही जीता आ जाता है जो कि एक गुंडा होता है और उसके पीछे कई सारे लोग होते हैं एंड वो भी गुंडे ही होते हैं। फिर यहाँ पर वो चिल्लाते हुए आता है कि किसने मेरी मिनी को परेशान करने की कोशिश की है। फिर यहाँ पर मिनी जीता को बताने लगती है कि ये देखो ना मैंने इसे शादी करने से रिजेक्ट कर दिया, फिर भी ये यहाँ पर आते हुए मेरा पीछा कर लिया है। फिर यहाँ पर वो जीता उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ कि तुम मेरी सिस्टर से शादी नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे जबरदस्ती शादी करनी है तो तुम्हें 5 लाख देना होगा। फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है कि 5 लाख, तुम क्या थोड़े से पागल हो गए हो, तुम्हारी इस मिनी के लिए मैं 500 भी ना देना चाहूँ। मिनी को सुनकर एक गुस्सा आ जाता है, तो मिनी जीता को बोलने लगती है कि तुम मेरी शादी का लगवा रहे हो, इसे सबक सिखाओ, इससे मेरा मजाक हो रहा है। फिर बाद में जीता उस पर चिल्लाने लगता है जहाँ पर हारू उसे उस कार्ड को दिखाता है और कहता है कि अब यकीन हो गया कि मुझे यहाँ पर मिस्टर गोंग नहीं बुला है। फिर तो यहाँ पर जीता बोलने लगता है कि तुम इस कार्ड को देख रही हो, ये तो मिस्टर गोंग का ही है। मिनी यहाँ पर बोलने लगती कि नहीं ये मिस्टर गोंग का हो ही नहीं सकता, और हारू को मिस्टर गोंग क्यों ही अपना कार्ड देंगे, मैं कह रही हूँ ना ये कार्ड फेक है। हारू उसे बोलने लगता है कि ये कार्ड फेक नहीं है, उनका असिस्टेंट खुद आकर मुझे ये कार्ड देकर गया है, मैं यकीन में कैसे दिलाऊं। मिनी बोलने लगती कि झूठ बोलना बंद करो, कितना झूठ बोलोगे। इतने में ही वहाँ से जैंग आ जाता है जहाँ पर मिनी जैंग से चिपक जाती है और उसे बोलने लगती है कि देखो ना ये मेरा हर जगह पीछा किया जा रहा है, मैं इसके साथ एक ब्लाइंड डेट पर गई थी जहाँ पर मैंने उसे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था, बट फिर भी ये मेरे प्यार में इतना पागल है कि मेरे पीछे पीछे आ गया, और तो देखो ना मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ लेकिन इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जैंग और मिनी यहाँ पर फ्लर्ट करने लगते हैं जहाँ पर हारू सोचने लगता है कि आखिर मैं इनको कैसे समझाऊँ कि मुझे मिनी में 0% इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर यहाँ पर जैंग सीता से बोलने लगता है कि इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दो और ऐसा मानना कि ये हफ्तों तक चल ना पाए। फिर बाद में सीता उसे उस कार्ड को बताने लगता है और कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, जरा इस कार्ड को तो देखिए ये बिल्कुल मिस्टर गोंग के कार्ड की तरह है। जैंग यहाँ पर उस कार्ड को देखता है और बोलने लगते कि हाँ ये तो मिस्टर गोंग का ही है, तुम्हें पता है कल ही मिस्टर गोंग के साथ मेरी एक मीटिंग हुई थी और तब उन्होंने मुझे कार्ड दिया था,
मुझे लगता है कि ये कार्ड मुझसे गिर गया होगा और तुमने इस कार्ड को चुरा लिया होगा। फिर मिनी बोलने लगती कि वही मैं सोचूं ये कार्ड इसके पास कैसे आ सकता है, पहले तो मुझे ये कार्ड फेंक लगा, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो ये कार्ड जरूर रियल होगा। फिर बाद में हारून समझाने लगता है कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो और तुम क्या इस होटल के मालिक हो जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। ये कार्ड मुझे उनके असिस्टेंट ने दिया है और मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। जैंग उसे बोलने लगता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारा लेवल देखो और मेरा लेवल देखो, अगर मैं उन्हें कॉल भी करूँ तो मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा और अगर मैं नहीं मिल पाऊंगा तो तुम क्या उनसे मिल पाओगे। उनके पास अगर मेरे लिए टाइम नहीं है तो तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के लिए कैसे टाइम निकलेगा। और यहाँ पर वो सीताओं को बोलने लगता है कि इसे अभी कभी यहाँ से निकाल दो। मिनी पूछते कि इसका क्या करना है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। जैंग बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी तुम्हें तंग करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझ पर भरोसा रखो। एंड यहाँ पर सीता को वो कहने लगता है कि अभी के अभी इसे मारो पिटो और कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन हारू यहाँ पर चिल्ला उठता है। हारू के साथ साथ हमें यहाँ पर किसी और के चिल्लाने की भी आवाज आती है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गोंग का असिस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पर मिस्टर गोंग और उनका असिस्टेंट बड़े स्टाइल में उसकी ओर आने लगते हैं। जहाँ पर जैंग की तो पैंट गीली हो गई थी और वो मिस्टर गोंग को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद में मिनी भी उन्हें देखती है, लेकिन मिनी को पता नहीं होता कि मिस्टर गोंग इस पूरे स्काई होटल पैलेस के मालिक होते हैं। मिस्टर गोंग चले जाते हैं हारू के पास उससे बातचीत करने के लिए। हारू यहाँ पर उसे देखकर शॉक होता है और बोलता है कि अंकल आप तो वही हो ना जो कल मुझे मिले थे। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि चलो हम अंदर जाकर बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनी उन दोनों को पीछे से रोकती है और कहने लगती है कि तुम तो वही हो ना जिसने मेरा स्कर्ट का फोटो किया था, तुम दोनों मिलकर लगता है यहाँ पे ये सारे डिसीजंस लेते रहोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैंग यहाँ पर मिनी को पीछे से रोकने की कोशिश करता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन मिली तो बोले ही जा रही थी। तो फिर वो जैंग को बोलने लगती है कि तुम मुझे चुप रहने के लिए क्यों बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कल ये दोनों सिग्नल पर खड़े होकर मेरे स्कर्ट का फोटो खींच रहे थे, मैं तो इन्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर वो सीता को बोलने लगती है कि तुम इन दोनों के दोनों को अभी की अभी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ पर होटल का जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है। पीछे से यहाँ पर हारू उसकी बातों को सुनकर हंस रहा होता है। मिस्टर गोंग यहाँ पर बोलने लगते कि अच्छा तो तुम भी इसी होटल में काम करती हो। फिर वो अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करते हैं, जहाँ पर उनका असिस्टेंट जाते ही मिनी को थप्पड़ मार देता है और इतना जोर से मारता है कि मिनी नीचे गिर जाती है। फिर बाद में उनका असिस्टेंट मिनी पर चिल्ला उठता है कि तुम्हारे पास क्या इतना फ्री टाइम है जो यहाँ पर तुम हमारे बॉस को छेड़ने चली हो। और तो यहाँ पर वो उनकी आइडेंटिटी मिनी को बताने लगता है, जहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल है। असिस्टेंट बोलता है कि हमें तुम्हें प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर तुमने मेरे बॉस को या फिर हारू को परेशान करने की कोशिश की तो फिर याद रखना तुम आज रात ही चाइना से गायब हो जाओगी। फिर यहाँ पर मिस्टर गोंग मिनी से कहने लगते हैं कि क्यों अभी मैं तुम्हें कोई गुंडा लग रहा हूँ। मिनी यहाँ पर टेंशन में आ जाती है और तो और वो उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर गोंग उसे कह देता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो हारू है, जाकर उसे माफ़ी मांगो। फिर यहाँ पर मिनी हारू से माफ़ी मांगने लगती है और उसके पैर पकड़ने लगती है और उसके हाथ भी, जहाँ पर हारू उसका हाथ छुड़ाकर बोलने लगता है कि माफ़ी और मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा, आते ही तुमने मेरे पर पलटवार कर दिया, मेरी बात सुनने की रेडी नहीं थी और तो तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी कि मैं तुम्हें माफ़ तक कभी नहीं कर सकता। और कल की बात तो याद ही होगी जहाँ पर तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को धक्का दिया था और तुम में तो बहुत ईगो इश्यूज है, टूट गया ना तुम्हारा ईगो। हमने वो कहने लगती है मुझे सचमुच माफ़ कर दो, तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर सकते हो लेकिन प्लीज़ ऐसा मेरे साथ मत करो। फिर बाद में हारू बोलने लगता है कि शादी और तुम्हारे साथ, मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है करके। फिर यहाँ पर मिस्टर गोंग अपने गार्ड्स को इशारा करते जहाँ पर वो लोग मिनी को और जीता को लेकर जाने लगते। मिनी यहाँ पर बोलने लगती कि जैंग भी हमारे साथ ही था। जैंग यहाँ पर मिनी पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें पहले से कह रहा था कि अपना ज़्यादा मुँह मत खोलो। यहाँ पर मिस्टर गोंग जैंग की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर गोंग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, मैं तो यहाँ पर आपकी ही साइड ले रहा था। और हारू बाद में सारी सच्चाई बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरी साइड और मिस्टर गोंग की साइड ले रहे थे, मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि मानो तुम उसके बॉयफ्रेंड ही हो और तो और तुम उसी की साइड ले रहे थे, तुमने मेरी बात तक नहीं मानी।
बेचारा जैंग यहाँ पर खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है और हारू से माफी मांगने लगता है। हारू बोलता है, मुझसे क्या माफी मांग रहे हो, जो बॉस का डिसीजन होगा वही आखिरी डिसीजन होगा। फिर यहाँ पर बॉस यानी कि मिस्टर गोंग अपने असिस्टेंट को कह देते हैं कि इस लड़की को और इसके इस गुंडे फ्रेंड को साथ साथ दिस जैंग को इन तीनों को इस होटल से अभी के अभी बाहर निकाल दो और ध्यान रहे कि ये लोग वापस इस एरिया में कभी कदम ना रख पाए। और यहाँ पर गार्ड्स उन सभी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में हारू मिस्टर गोंग और उनका असिस्टेंट वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं बात करने के लिए। यहाँ पर बाद में वो रूम नंबर 1 में जाते हैं और रूम नंबर 1 सबसे एक्सपेंसिव रूम होता है। फिर बाद में वो लोग बैठने लगते हैं जहाँ पर हारू होटल की तारीफ करने लगता है। तो मिस्टर गोंग बोलने लगते हैं कि तारीफ मत करो क्योंकि अब से ये होटल तुम्हारा ही होने वाला है। हारू यहाँ पर हंसने लगता है तो मिस्टर गोंग कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ और ये होटल मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसके सामने एग्रीमेंट रख देता है जहाँ पर हारू उस एग्रीमेंट को खोल कर देखता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो उस होटल के पेपर्स होते हैं और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफर हो रही है हारू के ऊपर। हारू बोलने लगता है कि आपको मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर मिस्टर गोंग तालियां बजाते हैं और उनके तालियां बजाते ही वहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत लड़की आने लगती है जो कि हारू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हारू मिस्टर गोंग से कहता है कि प्लीज इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोलिए। तो मिस्टर गोंग उन सबको भेज देते हैं जहाँ पर कहते हैं कि क्यों तुम्हें लड़कियाँ नहीं पसंद। हारू भूलने लगता है कि प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। फिर इतने में ही गोंग अपनी बेटी को बुला लेता है। यहाँ पर हारू तो शाह को देखकर शौक हो जाता है और शाह यहाँ पर बहुत खुशी खुशी आकर बैठ जाती है जहाँ पर मिस्टर गोंग बोलने लगते हैं कि देखो आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है जहाँ पर मैं फाइनली वो चीज़ करने वाला हूँ जो मेरा सपना है और तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी शाह के साथ शादी कर लो। हारू बोलने लगता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ मजाक मत करिए। तो मिस्टर गोंग कहता है कि मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं सचमुच कह रहा हूँ। फिर बाद में शाह बोलने लगती है कि जैट मैं इसे तो जानती भी नहीं हूँ। मिस्टर गोंग बोलने लगते हैं इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे तुम जानते जाओगे, ऐसे भी एक दिन में कोई किसी को कितना ही जान सकता है, तुम्हें तो पूरी लाइफ टाइम लग जाएंगे एक दूसरे को जानते हुए। तो फिर एक अच्छा सा दिन फिक्स कर लो और जाकर अपना मैरिज लाइसेंस लेकर आ जाना यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट। यहाँ पर शाह खड़ी हो जाती है गुस्से में जहाँ पर हारू मिस्टर गोंग को बोला कि देखिए मिस्टर आपकी बेटी जो बोल रही है वो एकदम सही बोल रही है, मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ। और हारू यहाँ से भाग जाता है। शाह अपने डैड से बोलने लगती कि क्या आप मेरी शादी जबरदस्ती उसे कराने वाले हो। फिर बाद में मिस्टर गोंग उसे कहने लगते कि बेटी तुम टेंशन क्यों दे रही हो, मैं बेट लगा कर बोल सकता हूँ कि आने वाले एक साल में ये इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, मैं तुम्हें ये लिख के दे सकता हूँ। और रही बात बिजनेस की तो तुम्हें बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है ना, मैं अपने सारे रियल इस्टेट वाले एजेंट्स को और कंपनीज को तुम्हारे नाम कर दूंगा जहाँ पर तुम आराम से बिजनेस करना। फिर यहाँ पर वो दोनों आपस में प्रॉमिस बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो जाने लगता है उसके सामने मिनी और जीथाओ आ जाते हैं जहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि तुम आके चेयरमैन को कैसे जानते हो, क्या तुम मेरी बात उनसे करवा सकते हो। हारू बोलने लगता है कि प्लीज़ यहाँ से हटो और मुझे जाने दो। मिनी और जीथाओ उसके मुँह के सामने ही खड़े रहते हैं जहाँ पर हारू बोल देता है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा और मुझसे कुछ उम्मीद लगा कर मत रखना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर हारू को शाह का कॉल आ जाता है और उसे वो मैरिज ब्यूरो में बुलाने लगती है। वो लोग जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। फिर बाद में हारू बोल जाता है कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। तो फिर यहाँ पर उसे वो बताने लगती है कि देखो डैड बोल रहे थे इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी, लेकिन हमारे शादी के 3 मेजर रूल्स होंगे। और यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट देकर बताने लगती है कि पहला तुम मुझे टच नहीं कर सकते, दूसरा हम साथ में रहेंगे, और तीसरा कि कोई भी आउटसाइडर को हमारे इस रिलेशन के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। फिर यहाँ पर वो एग्रीमेंट को देखकर बोलने लगता है कि तुम कह रही हो कि हम साथ में रहेंगे लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। तो फिर शाह बोलने लगती कि ठीक है चलो जाकर अभी के भी डाइवोर्स एग्रीमेंट्स बना देते हैं, हमें शादी किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हारू यहाँ पर सोचने लगता है कि उसकी मॉम आए दिनों से ब्लाइंड डेट फिल्म भेजती रहती है तो एक अच्छा मौका है जहाँ पर वो ब्लाइंड डेट से दूर बच सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर शाह अपने मन में सोच रही होती है कि बस एक साल मुझे इसे झेलना है, इसके बाद मैं इसे डाइवोर्स ले लूँगी।
बाद में यहाँ पर वो शाओ की लग्जरी स्पोर्ट्स कार को देखता है और मेस्मराइज हो जाता है। शाओ से बैठने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर हारू सामने वाली कार में देखता है जहाँ पर से ब्लैक कलर की एनर्जीज निकल रही होती है। तो फिर वह शाओ को जाने के लिए बोलता है। शाओ यहाँ पर उसे उसका घर का एड्रेस बता देती है और टाइम पर घर से आने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर वह चला जाता है उस कार को देखने के लिए, जहाँ पर उस कार का मालिक आकर कहने लगता है कि मेरी कार को टच करना बंद करो। हारू बोलने लगता है कि तुम्हारी कार में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि मेरी कार में प्रॉब्लम, मेरे डैड ने मुझे एक कार लेटेस्ट दिलवाई है, वो भी पूरे 2 मिलियन की है। तुम जैसे छोटे लोग इस बात को नहीं समझ पाओगे। इतने में उस लड़की का डैड बाहर निकल कर पूछने लगता है कि देखो यंग मैन, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो हमें अपने जाल में फंसाना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। हारू यहाँ पर उनके ब्रेसलेट को नोटिस करता है जिसमें से सेम उस ब्लैक कलर का स्मोक एनर्जी निकल रही होती है। तो वो उन्हें कहने लगता है कि आपको ये ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये ब्रेसलेट आपकी जान ले सकती है। यहाँ पर उसका बेटा हारू पर चिल्लाने लगता है। हारू उन्हें साफ साफ बता देता है कि ठीक है, मेरी बात पर भरोसा मत करिए, लेकिन अगर आपने इस ब्रेसलेट को 5 सेकेंड से ज़्यादा पकड़ा तो आपकी मौत हो सकती है। फिर यहाँ पर वो 5 सेकेंड से काउंट करने लगता है, जहाँ पर उसके बेटे को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो अंकल के मुँह से खून निकलने लगता है और वो उसका बेटा डर जाता है, जो हारू पर चिल्ला कर बोलने लगता है कि तुम साफ साफ बताओ कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। बाद में यहाँ पर वो उसका ब्रेसलेट ले लेता है, जहाँ पे वो मन में कुछ बोलने लगता है और उस ब्रेसलेट में से सारी की सारी ब्लैक एनर्जीज बाहर निकल कर चली जाती है, जहाँ पर उसके डैड को रिलैक्स फील होने लगता है और उसका डैड वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर यहाँ पर उसका डैड उसे थैंक यू बोलता है, साथ साथ में अपना कार्ड देकर बोलता है कि मैं वॉरियर ग्रुप का चेयरमैन हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे बुला सकते हो। फिर यहाँ से हारू वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर उसका बेटा भूल जाता है कि वो नॉर्मल इंसान ही तो है, लेकिन उसका डैड उसे बोलता है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो तो एकदम भगवान की जैसे है। फिर रात हो जाती है, जहाँ पर हारू अपने बंगलों को ढूंढे ढूंढते आ जाता है। जैसे उस बंगलों के अंदर जाते है वो शौक हो जाता है क्योंकि वो इतना बड़ा और इतना लग्जरियस होता है, और वो सोचने लगता है कि अब मैं समझू अमीर लोग अपनी लाइफ इतनी आराम से कैसे जी सकते हैं। फिर यहाँ पर वो पूरे घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो एक्सप्लोर करते करते बाथरूम चला जाता है और यहाँ पर बाथटब में शाओ बैठी होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे शाओ देखती है, जहाँ पर उसने सनग्लासेस पहनता है वो चिल्लाने लगता है। फिर सनग्लासेस निकाल कर भी वो बफे से चिल्लाता है, चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और मन में बोलता है कि इतना बड़ा घर है लेकिन बाथरूम की तरफ एक डोर लगाने के पास इनके लिए पैसे नहीं थे। वह यहाँ पर वह घर की सारी चीज़ों को देखने लगता है। वो एलेक्सा को टच करता है तो उसमें गाने बजने लगते हैं और वह डांस करने लगता है। फिर सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकने लगता है और मस्त कुशन पर बैठ कर चिप्स खाने लगता है। इतने में शाओ नीचे आती है, जहाँ पर वो फटाक से जाकर चेयर पर बुक लेकर बैठ जाता है एकदम कुछ बॉय की तरह। शाओ उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें बाथरूम में आने से दरवाज़ा तो खटखटाना चाहिए। यहाँ पर वो बोलने लगती है, दरवाज़ा? तुम्हारे पास दरवाज़ा ही नहीं है, तुम्हें खटखटाना क्या, और अगर होता तो तुम्हें बंद करना चाहिए ना। शाओ उसे बोलने लगती है कि अब से तुम ऊपर कभी भी नहीं आओगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे रहना। भारू उसे बोलने लगता है कि ऐसा क्यों। शाओ कहते कि मेरा ऑर्डर है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हारू एक एग्रीमेंट को देखता है तो वो शाओ से पूछता है कि आखिर ये क्या है। शाओ से बताने लगते कि एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ये हमारी दूसरी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन होने वाला है, जहाँ पर उस कंपनी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कोलैबोरेशन अच्छे से हो जाता लेकिन उनकी बढ़ती डिमांड की वजह से मैं और मेरे डैड इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं। उसे वो कहने लगती कि कल वो भी उसके साथ आएगा, लेकिन हारू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आकर क्या करूँगा। शाह बोलती है कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप कर मेरे साथ चलना। फिर यहाँ पर वो कहने लगता कि अगर मैंने तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दिया तो, क्योंकि तुम ही तो कहती हो कि हर बार मैं प्रॉब्लम्स खड़े कर देता हूँ। शाह बोलती कि हाँ, मुझे लगा ही था कि कोई तो मुसीबत खड़ी जरूर करोगे, तो मैं तुम्हें अभी ही वार्न कर देती हूँ। तो फिर हारू बोलता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा मैं प्रॉब्लम्स खड़ी करूँ, क्या पता कर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शाह यहाँ पर पूछते कि वो कैसे, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी पता है, आए बड़े मेरी हेल्प करने वाले। इतने में ही यहाँ पर हारू को उसकी मम्मा का कॉल आने लगता है, जो उसे एक और ब्लाइंड डेट के बारे में बताने लगती है। हारू यहाँ पर अपनी मम्मा को बोलता है कि बस करो मम्मा, मुझे और ब्लाइंड डेट नहीं जाना, और उसकी मम्मा उसे समझाने लगती है। तो हारू उसे कहता है कि मॉम मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है, और इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है और जाकर वो शाह से बोलने लगता है कि तुम्हें मेरी मम्मा से मिलना होगा। शाह बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 का रूल याद तो है ना, कि हमें हमारी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं करनी है। हारू बोलता है कि वो मेरी मम्मा है,
तुम्हारे डैड को तो हमारी शादी में पता है, लेकिन मेरी मां को भी तो हमारी शादी के बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर हमारा हाजू पहले अच्छे से ब्लेजर और सूट पहन के वहाँ पर आ जाता है। शाओ बोलने लगती है कि तुम्हारा ये लुक तो पूरा बदल चुका है। इसके बाद में हारूस ऑडिटोरियम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो आसपास देखने लगता है। इतने में वहाँ पर मिया आती है और उसकी फ्रेंड, और वो दोनों उसकी स्कूल की फ्रेंड्स होती है, जहाँ पर वो लोग उसे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारू बोलता है कि मैं बस यहाँ पर आया हूँ। मिया बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर दो सबसे बड़ी कंपनीज का कोलैबोरेशन होने वाला है और मैं दूसरी कंपनी की सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। फिर वो उसे बताने लगता है कि मैं भी बस इस कंपनी के प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया हूँ। मिया यहाँ पर उसे ताने माने लगती है कि तुम और इस कंपनी के कोलैबोरेशन देखने आए हो, तुम तो यहाँ पर छोटे से स्क्रू फैक्ट्री में काम करते हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि अच्छा तो शायद से तुम यहाँ पर वेटर का काम करने आओगे। यहाँ पर बाद में वो कहने लगता कि क्यों, मैं क्यों वेटर का काम करूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ एज ए गेस्ट मेंबर। तो फिर मियाँ बोलते कि मजाक करना बंद करो, तुम्हें इनविटेशन किसने दिया। यहाँ पर उसे कहने लगता कि मैं अपनी वाइफ के साथ में आया हूँ। मियाँ यहाँ पर उसकी वाइफ के बारे में पूछती तो वो बता देता है। मियाँ यहाँ पर हंसकर बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारी वो पिड़ाने वाली चाल बदली नहीं है, अभी भी तुम क्या झूठ ही बोलते रहते हो। यहाँ पर मियाँ के फ्रेंड से बोलने लगती है कि स्कूल टाइम में तो तुम हारू को पसंद किया करती थी ना। मियाँ उसे बोलने लगती कि हाँ पसंद किया करती थी, लेकिन बहुत जल्दी मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैं इतने बड़े लूजर के साथ अपनी लाइफ थोड़ी ना स्पेंड कर सकती हूँ। और तो यहाँ पर वो उसे नीचा दिखाना शुरू कर देती है, उसकी बुराइयाँ भी करने लगती है। अरे बोलने लगता है कि प्लीज़ तुम दोनों मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर मियाँ से बोलने लगती है कि देखना मैं एक बार शाओ को यहाँ पर बुला लूँगी तो सारी की सारी पुल सामने आ जाएगी, जहाँ पर तुम्हें इस ऑडिटोरियम को छोड़ के जाना पड़ेगा। हारू उसे बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मियाँ बोलने लगती कि अच्छा तो तुम ऐसा नहीं मानते, लगता है मुझे शाओ को बुलाना ही होगा ताकि तुम्हारी पोल खुल सके कि तुम उसके हस्बैंड हो ही नहीं सकते हो। इतने में ही शाओ वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर मियाँ और उसके फ्रेंड से बताने लगती है कि देखो ना ये समझता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है और हमसे झूठ झूठ बोल रहा है, अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। शाओ यहाँ पर बोलने लगती है क्यों, इसने झूठ कहाँ बोला, यही मेरा हस्बैंड और हमारी शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर हमारा हारू खुश तो होता है लेकिन मियाँ नहीं, और बाद में उसे कहने लगती है कि तुम इतने आसान से नॉर्मल लूजर के साथ शादी कैसे कर सकती हो, ये तो एक स्क्रू की फैक्ट्री में काम करता है, तुम्हें वहाँ से उसे निकाल देना चाहिए। फिर शाओ बोलते कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो कि लूज़र है, मुझे उसे उस फैक्ट्री से निकाल देना चाहिए। ये बात सुनकर हारू को अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि देखा भले तुम्हारी शाओ के साथ शादी हो गई हो लेकिन तुम उसके स्टैंडर्ड्स को कभी बिलोंग नहीं कर सकते। फिर शाओ यहाँ पर बोलने लगती कि सही बोला, मैं उसे अब अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगी, जहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड्स अब तो मैच होने लगेंगे ना। ये बात सुनकर हारू खुश हो जाता है लेकिन मियाँ का तो मोह ही बन जाता है। और रही बात तुम दोनों की, तो मैं तुम दोनों को फायर करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा जबान कुछ ज़्यादा ही चलता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी बात करने के लिए। यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड उसके पैरों में गिर गिराकर उसे माफ़ी मांगने लगती है। मियाँ भी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि तुमने अगर मुझे निकाल दिया तो मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारी कंपनी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। शाह बोलने लगती है कि मुझे दम क्या देना बंद करो। इतने में वहाँ पर ही आ जाता है, जब बोलने लगता है कि कौन है वो जो मेरी शाह को परेशान कर रहा है। यहाँ पर वह मियाँ और उसकी फ्रेंड जाकर उससे बात करने लगते हैं, जहाँ पर जी को गुस्सा आता है और वो उन्हें थप्पड़ मारकर बोलने लगता है कि शाओ के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। फिर यहाँ पर शाओ अपने हस्बैंड यानी कि हारू को जी से इंट्रोड्यूस करवाती है। जी बोलता है कि मजाक करना बंद करो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ये मुझे भी पता है। यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हें कैसे गारंटी है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर तुम्हें चाहिए तो वो मैं तुम्हें घर जाकर बता भी सकती हूँ। जी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये है कौन जिसे तुम शादी कर आई हो। फिर शाओ हारू को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोलती है, जहाँ पर हारू कुछ बोलने ही वाला होता है इतने में वहाँ पर जैंग आ जाता है। हारू जैंग को देखकर सोच लगता है कि तुम देखे देखे से लग रहे हो। जैंग बोलने लगता है कि सही बात है, मैं वही हूँ जो वहाँ पर मैनेजर का लॉबी में काम किया करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे स्काई पैलेस होटल से निकाल दिया गया और अब देखो मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है जहाँ पर मैं बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। हारू शाह से बोलने लगता है कि क्या तुम इस बुद्ध को यहाँ से निकाल नहीं सकती। शाह बोलने लगती है कि नहीं, जी को देख रहे हो, जी उसका अंकल है तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोल सकती, और जी तो वर्ल्ड का टॉप रिचेस में आता है 9th पोजीशन पे, तो यहाँ पर तो अपना ईगो अकड़ तो दिखाएगा ही ना।
जी शाह को कहने लगता कि तुम्हें आखिर इंसान ने क्या दिखा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है तुमने शादी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए की है, लेकिन तुम्हारे बीच कोई रियल रिलेशन नहीं है। शाह बोलते कि नहीं, हमारी शादी रियल है और हमारा रिलेशन और हमारा प्यार भी। और तो यहाँ पर वो हारू को गालों पर किस भी कर देती है, जहाँ पर हारू ब्लश होने लगता है। फिर जीप बोलने लगता कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इसे छोड़ दो, वह तुम लाइफ टाइम रिग्रेट करोगी। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे बंगले हैं, जिसमें मैं तुम्हें रानियों की तरह रख सकता हूँ, तुम इसके साथ क्या कर सकती हो। यहाँ पर पीछे से मियाँ और उसकी फ्रेंड भी बोलने लगती है कि हाँ, जी सर का पॉइंट तो बिल्कुल सही है, वो एकदम सही बात बोल रहे हैं कि तुम कभी भी हारू को और मिस्टर जी को कंपेयर नहीं कर सकती। हारू कहाँ पर और मिस्टर जी कहाँ पर। और वो लोग यहाँ पर हारू और जी को कंपेयर करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग हारू को बहुत नीचा दिखाते हैं और जी यहाँ पर खुश हो जाता है, जो उन दोनों को कहता है कि बहुत अच्छा, तुम दोनों बहुत अच्छी बातें करती हो, जस्ट बिकॉज वो लोग जी का साइड ले रहे थे। जी शाह से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, इस लड़के को छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ। शाह यहाँ पर बोलने लगते कि देख लो, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाली, अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं इसे साथ लेकर मरूंगी, मैं कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जी बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें प्रोजेक्ट कैसे मिलता है। और यहाँ पर वो उन दोनों को धक्का मारकर जाने लगता है। यहाँ पर बाप ने उसके असिस्टेंट आकर पूछने लगती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। शाह बोलने लगते कि नहीं, मैंने मैटर को सॉल्व कर दिया है। फिर वो असिस्टेंट बोलने लगती है कि देखना, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी स्मूथली से साइन कर पाएंगे, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर बाद में अनाउंसर आ जाता है, जहाँ पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाले एग्रीमेंट के बारे में बातें करने लगता है। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट शाह को बोलने लगती है कि आखिर तुमने इसे शादी कैसे कर ली, यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए आए, और इसे देखो एकदम बच्चों जैसे बिहेव किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि इतने बड़े इवेंट में ये पहली बार आया है। शाह यहाँ पर अपने असिस्टेंट को आगे दिखाती है और कुछ भी बोलने से मना करती है। इसके बाद अनाउंसर उन दोनों कंपनीज के लीडर्स को आगे बुलाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जहाँ पर हमारी शाह उठती है और साथ साथ में जैंग भी। शाह यहाँ पर जैंग से पूछने लगती है कि उस कंपनी के लीडर को आगे बुलाया है, तुम क्यों आ रहे हो। जैंग बोलने लगते कि क्यों, शौक हो गई, मैं उस कंपनी का लीडर हूँ। फिर यहाँ पर हमारी असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो हारू के पर चिल्ला रही होती है कि अब सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हारू बोलता है कि मैंने क्या किया। असिस्टेंट बोलने लगते कि तुम्हारी वजह से उसने जी के साथ में और जैंग के साथ में झगड़ा किया, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब ये प्रोजेक्ट पर अग्री करेगा, और कुछ ना कुछ तो कांड तो करके ही रहेगा। हारू बोलने लगता कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं उसकी मदद कर लूँगा। यहाँ पर असिस्टेंट से बोलने लगती है कि तुम चुप रहो तो बेहतर होगा, और याद रखना अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद में यहाँ पर जैंग उस एग्रीमेंट को देखने लगता है और कहता है कि बस 37%, तुम्हें नहीं लगता ये कम है। शाह यहाँ पर बोलने लगती कि देखो, पहले से डील 37% पर क्लोज हुई थी, अब तुम यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो इसमें 20% का और इंक्रीमेंट चाहिए, वरना हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। शाह उसे बोलने लगती कि मैं सब समझ रही हूँ, मेरे डायनर तुम अपने होटल से निकाल दिया था, इसलिए तुम मुझसे बदला ले रहे हो। जैंग बोलने लगते नहीं, मैं इतना अनप्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपने कंपनी की साइड से तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें हाँ नहीं तो जाने दो, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मिया और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर हारू आता है और कहता है कि खाली 20% एक्स्ट्रा की बात है, ठीक है तो तुम उसे रख लो। शाह यहाँ पर हारू को ना बोलने लगती है और कहती है कि अगर इसे मैंने 20% दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम तो लॉस में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर शाह और सर लेकर कॉर्नर में चली जाती है, जहाँ उसे समझाने लगती है कि प्लीज़ मेरी डील को ख़राब मत करो, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर उसे कहने लगता है तुम टेंशन मत लो, मैं वॉरियर ग्रुप को अच्छे से जानता हूँ। फिर यहाँ पर वो जैंग के पास चले जाता है, जहाँ बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ डील नहीं कर रही, मुझे किसी प्रोफेशनल के साथ डील करनी है। तो फिर जैंग उसे कहने लगता है कि प्रोफेशनल, मैं ही यहाँ पर लीडर बनकर आया हूँ तो तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े पोजीशन पर, तो एक काम करो, तो मुझे फायर क्यों नहीं कर देते। फिर यहाँ पर हमारा हारू अपने जेब से उस कार्ड को निकालता है और कॉल लगा लेता है किसी को, जो बोलने लगता है कि आपको याद है मैंने आपकी एक बार जान बचाई थी और आपने कहा था कि आप मेरी मदद करोगे, तो मैं यहाँ पर आप ही कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ, जहाँ पर एक लड़का मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। तो बाद में वो यंग मास से बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी मेरे बेटे को वहाँ पर भेजता हूँ। जैंग को लगने लगता है कि ये तो बस कॉल लगा कर किसी के साथ में डींगे मार रहा है और होशियारी मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बाद में जैंग से कार्ड दे लेता है और वो कार्ड देखने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये तो मास्टर का कार्ड है, वो भी पर्सनल वाला।
तो फिर जी उसे बोलता कि डरते क्यों हो, उनका पर्सनल कार्ड तो मेरे पास भी है और एक इवेंट में उन्होंने सभी को कार्ड दिया था, तो मुझे लगता है किसी का कार्ड गिर गया होगा तो फिर इसने उस कार्ड को उठा लिया होगा। यहाँ पर जंग बोलता है कि जी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर यहाँ पर वह हल्का कॉल पकड़ने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है। फिर इतने में उसका बेटा हुआ वहाँ पर आ जाता है जो बोलने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी घर पर जाना है और चाइना से गायब होना है। जैंग उसे यहाँ पर देखकर शौकी हो जाता है। बाद में यहाँ पर जैंग उसे यंग मास्टर कहकर ग्रीट करने लगता है और सब कुछ बताने लगता है। शाह यहाँ पर वो सब बोलने लगती है कि इसमें हमारी कंपनी की कोई गलती नहीं है। जैंग यहाँ पर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी 20% इंक्रीमेंट की बात कर रहा है जो हमारे साइड से देना पॉसिबल नहीं होगा। फिर यहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि तुम शाह या इसकी बात में बताओ, इनके साथ प्रोजेक्ट को साइन करना अच्छी बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर हारू बोलने लगता है कि हुओ तुम्हें डिसाइड करो कि आखिर क्या चल रहा है। जैंग कहता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। फिर यहाँ पर हुओ जैंग को थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम कौन होते हो हारू को ये सब बोलने वाले। और ये सारी चीजें देखकर जी तो शॉक ही हो जाता है और हुओ को इतना गुस्सा आता है कि वो जैंग को अपनी कंपनी से फायर कर देता है। जैंग उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है लेकिन हुओ उसकी एक बात नहीं सुनता और बोलता है जो बोलना है जाकर मेरे डैड से बात करना। फिर गार्ड यहाँ पर आते हैं जो जैंग को लेकर चले जाते हैं। इतने में ही जी बोलना शुरू कर देता है और जी उसे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो और वो मेरा असिस्टेंट है तो मुझसे फायर कर रहे हो। फिर यहाँ पर वो उससे माफी मांगने लगता है। जी हंसने लगता है जहाँ पर जैंग को तो और भी सेल्फ ईगो आने लगता है। इसके बाद में वो उसे कहने लगता है कि ये लोग हमसे 90% का शेयर मांग रहे हैं और कह रहे कि हमें 90% का इंक्रीमेंट चाहिए। तो फिर वो जैंग से पूछता है कि क्या ये बात सच है। वो बोलता है कि हाँ मुझे 90% का प्रॉफिट चाहिए था तो मैंने मांग लिया। यहाँ पर शाह से माफी मांगने लगती है। इतने में उसकी असिस्टेंट गुस्सा होकर बोलने लगती कि देखा मैंने कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड किसी काम का नहीं है, ये यहाँ पर हमारा काम बिगाड़ रहा है। शाह यहाँ पर गुस्सा होकर जाने लगती है जहाँ पर मिस्टर हुआ अपने अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा असिस्टेंट हारू को गुस्सा कर रही होती है और उस पर चिल्ला रही होती है जहाँ पर उसका मुंह तब बंद होता है जब वो मिस्टर हुआ को ये बोलते हुए सुनती है कि मैं इस प्रोजेक्ट का 90% प्रॉफिट और सब कुछ शाह और हारू की कंपनी के नाम पर कर रहा हूँ। ये बात सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो जाती है। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है तो हुआ बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर ये मेरे हाथों में होता तो मैं उसे पूरा 100% प्रॉफिट दे देता। ठीक है ना, मैं तुम्हारे पास 10% रखने दे रहा हूँ, उससे मैं खुश रहूँ, उसने मेरी डैड की जान बचाई है जो इस कंपनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर वो एग्रीमेंट लेकर आ जाते हैं जहाँ पर हारू उस एग्रीमेंट को देखने लगता है और बाद में वो कहने लगता है और रही बात तुम्हारे असिस्टेंट जांग की, तो मैं उसे अपनी कंपनी से सचमुच फायर कर रहा हूँ और मैं उसे इतना पिटने वाला हूँ कि वो 2 हफ्तों तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि इसका बैकग्राउंड इतना गंदा है तो मैं कभी उसे अपनी कंपनी में हायर ही नहीं करता। जी यहाँ पर गुस्से में चला जाता है। दूसर वो उस असिस्टेंट एग्रीमेंट देकर ही शौक हो जाती है और उसे कुछ भी यकीन नहीं होता। इसी बात में हुआ हारू से कहता है कि चलो मेरे डैड को तुमसे मिलना है और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद में वो लोग उस लंच वाले एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर हुआ का डैड उसे थैंक यू बोलने लगता है, साथ साथ हारू भी उसे थैंक यू बोलता है। फिर यहाँ पर उसका डैड कहता है कि मैं तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ और यहाँ पर वो वर्ल्ड के टॉप 1 रिचेस्ट इंसान को मिलवाता है जहाँ पर वो व्हीलचेयर पर होता है। फिर बाद में उसका डैड उसी कंडीशन को एक्सप्लेन करना शुरू हो जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग भी कहते हैं कि मैं कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा और मुझे बीमारी है, जहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेरे पास जीने के लिए बस 1 मंथ रह गए हैं। फिर बाद में हारू उन दोनों से कहने लगता है कि देखो मैं गारंटी नहीं दे सकता लेकिन मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। यहाँ पर हारू अपनी स्टाइल में सारे के सारे एक्शन करने लगता है, मंत्र तंत्र बोलने लगता है। फिर बाद में वो तो उसे कालों पर मारने भी लगता है जहाँ पर उसके मुँह के अंदर से एक वॉर्म निकल आता है और हारू ने बताने लगता है कि यही वो वॉर्म है जो उनके गर्दन को मोड़ कर रखता है। फिर बाद में उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि नहीं, एक वॉर्म की वजह से ये सब कैसे हो सकता है। इसके बाद में उसका असिस्टेंट बैठकर मिस्टर जियान को देखता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ इनका फेस तो सीधा हो गया, ये तुमने क्या कर दिया। और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं जहाँ पर वो लोग उसे प्रेस करने लगते हैं। इसके बाद में हारू वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके पैर पकड़ कर बोलने लगता है कि प्लीज मुझे तुम अपना शिष्य बना लो और मुझे ट्रेनिंग दे दो। हारू बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब ट्रेनिंग से पॉसिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पर उसकी वाइफ उसे कॉल करती है जहाँ हारू असिस्टेंट कह देता है कि मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे कॉल कर बुलाया है। फिर बाद में हारू बाहर चला जाता है जहाँ पर शॉस पर गुस्सा होकर पूछने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर बाद में यहाँ पर हारू उसे सारी बातें बताने लगता है।
लेकिन शाओ को विश्वास नहीं होता और वो अपने असिस्टेंट से पूछती है और उसके असिस्टेंट हारू का साइड बिल्कुल नहीं लेती और कहने लगती कि नहीं, हारू की वजह से थोड़ी ना हुआ है, ये सब तो मिस्टर हो की वजह से हुआ है, उन्होंने दया खाकर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वरना हारू तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब ही कर चुका था। हारू असिस्टेंट को बोलने लगता कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। असिस्टेंट बाद में शाओ से ये कहने लगती कि देखो अब तो ये मुझे भी धमकियां देने लगा है, मैं तो बस तुम्हें सच्चाइयां बता रही हूँ। फिर यहाँ पर शाओ हारू पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी एक भी बातों पर भरोसा नहीं है। हारू कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा तो अपनी असिस्टेंट पर भरोसा करती हो। शाओ यहाँ पर उसे वार्निंग देकर चली जाती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम से सब कुछ भी हुआ तो याद रखना डाइवोर्स पेपर्स मैं रेडी करके रहूंगी और तभी के तभी खुद साइन कर लूंगी और तुमसे भी साइन करवा दूंगी। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी से मिल लेती है उसके असिस्टेंट और जी उसके असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है, जहाँ पर वो उसे पूछ लेते कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसकी असिस्टेंट शाह को ही बिट्रे कर रही है और तो और जी की तरफ से है, साथ ही साथ में जी उसे 1 मिलियन का कार्ड भी देता है ये सारे काम करने के लिए। यहाँ पर बाद में वो लोग घर पर रहते हैं जहाँ पर हमारा बेचारा हारू इन सब इवेंट्स के बाद में बहुत थक चुका था। दूसरे यहाँ पर शाओ तो सोच ही जा रही थी, हारू उसे पूछता है कि तुम इतना ओवरथिंक क्या कर रही हो, तो शाओ उसे बताने लगती कि मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा जो शेयर था वो 40% का प्रॉफिट था लेकिन यहाँ पर मिस्टर हो ने हमें सीधा 90% दे दिया, आखिर मैं इतनी आसानी का उन्हें कैसे चुका कर रहूंगी। फिर बात करने लगता है कि मिस्टर हो ने कुछ नहीं किया है बल्कि मैंने किया है। फिर बात में शाओ से चुप रहने के लिए बोलती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों किया है, क्योंकि तुम मुझे बहुत ऑनेस्ट लगे थे लेकिन आज तुम इतना झूठ बोल रहे हो। फिर यहाँ पर हारू से बोलने लगता है कि अब बहुत हो गया, तुम्हें क्यों लगता है कि मिस्टर हुआ वहाँ पर कब आए जब मैंने उन्हें कॉल किया। फिर यहाँ पर शाओ सोचने लगती है, जहाँ पर वो उसे पूछती तो है लेकिन यहाँ पर हारू दूसरी तरफ फेस कर सोने का नाटक करने लगता है। शाओ से कहने लगती है कि मैं ऊपर शावर लेने के लिए जा रही हूँ और खबरदार अगर तुम वहाँ पर ताक झाक करने के लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर अचानक से बाथरूम से शाओ की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर हारू घबरा कर ऊपर भाग जाता है, जहाँ पर शाओ वापस चिल्लाते हैं और उसे पूछते कि आखिर तुम ऊपर क्यों आए हो, मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर मेरे में ताक झाक कर रहे हो। फिर बाद में हारू कहने लगता कि तुम चिल्लाई इसलिए मैं ऊपर आया देखने के लिए कि आखिर हो क्या गया है। फिर वो उसे कहते कि कुछ नहीं, मैंने बस यहाँ पर एक मक्खी को देख लिया था। हारू को यहाँ पर गुस्सा आने लगता कि एक मक्खी की वजह से लड़की चिल्ला रही है। फिर बाद में उसे वहाँ से नीचे चिल्ला कर भेज देती है, जहाँ पर हारू मन में बोलने लगता है कि एक तो मदद करो ऊपर से ताने भी सुनो। फिर बाद में शाओ सीढ़ियों से नीचे उतरती है, जहाँ पर उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी लेकिन हारू उसे संभाल लेता है और शाओ बोलती है कि तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हारू कहता है कि तुम गिरने वाली थी तो मैं तुम्हारी बस मदद कर रहा था। शाओ यहाँ पर चलने लगती तो वो चल नहीं पाती, तो हारू उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है। फिर वो उसे अंकल को देखने लगता है। शाओ यहाँ पर बोलने लगती कि खबरदार अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हारू बोलता है कि तुम आखिर इतनी रूड क्यों बिहेव करती हो और यहाँ पर वो उसे लेग मसाज देने लगता है, जहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज करता है और तो शाओ को बड़ा रिलैक्सिंग फील होने लगता है, जहाँ पर शाओ आराम से नींद लेने लगती है। लेकिन वो जैसे अपनी आंखें खोलती है वो हारू को देखती है और हारू की नज़र कहीं और ही होती है, तो यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात मार कर नीचे गिरा देती है और बोलती है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, तुम तो बस देख ही जा रहे थे। और यहाँ पर वो गुस्सा कर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर हारू को कॉल आ जाता है मिस्टर जियांग का, जो उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी को पिक करने के लिए भेज दूंगा, लेकिन हारू बोलता है आप टेंशन मत लीजिए बस एड्रेस भेज देना मैं वहाँ पर मौजूद हो जाऊँगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं शाओ को जो बहुत गुस्से में होती है और अपने डैड को कॉल लगा कर बोलने लगती है कि मैं 1 साल तक इस इंसान के साथ नहीं रह पाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा है, न इसके पास कोई स्किल्स है ना पर्सनैलिटी, मैं सभी के भी डाइवोर्स दूंगी। और यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो उसे बड़ी अच्छी स्मेल आती है, जहाँ उसे लग रहा था कि कुक शायद से कुछ अच्छा बना रही होगी, लेकिन यहाँ पर हमारा हारू होता है जो उसके लिए अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ पर शाओ को लगता है कि उसे हारू का डिश पसंद नहीं आएगा लेकिन हारू ने बहुत डिलिशियसली वो खाना बनाया होता है। इसके बाद में वो मिस्टर जियांग के बर्थडे पार्टी के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना है, अगर मैं वहाँ पर गई तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट्स और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो हारू बोलता है फिर जाओ ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि बट मुझे वहाँ पर जी मिल जाएगा जहाँ पर मुझे
उससे नहीं मिलना है। तो हारी बोलता है इसमें क्या हुआ, वो तो आते जाते दिखता रहेगा, तुम्हें तो बस इसे इग्नोर करना है। फिर बाद में वो कहने लगते कि नहीं बट मुझे इनविटेशन भी तो नहीं मिला है, वहाँ का इनविटेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर बाद में हारी उसे कहता है कि नहीं तो तुम तो मेरे साथ चलोगी। वो पूछते कि तुम्हारे पास इनविटेशन है, हारी बोलता है कि हाँ मेरे पास इनविटेशन है, मुझे इनविटेशन खुद मिस्टर जिया ने दिया है। शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि ओ प्लीज़ तुम मजाक करना बंद करोगे, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करते रहते हो और झूठ बोलते रहते हो। हारू कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, खुद उन्होंने मुझे कॉल कर कहा है मेरे बर्थडे पे आने के लिए, और वो तो किसी को भेजने ही वाले थे मुझे पिक करने के लिए, वो तो मैंने ही उन्हें ना कह दिया। फिर शाह बोलने लगते कि ठीक है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे जाते हो। हारू बोलता है कि तुम बेट लगाना चाहोगी। शाह बोलते कि ठीक है जो जीतेगा वो जो करने के लिए बोलेगा वो हारने वाले को करना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच में बैठ लग जाती है। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग उस इवेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिनी पीछे से हारू को देखकर पहचान जाती है। हारू यहाँ पर बोलता है कि लगता है तुम अपने डैड के साथ में आई हो। मिनी आसपास देखकर कहते कि नहीं मेरे डैड थोड़े से बिजी है इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, जहाँ पर हारू उसके हस्बैंड को देखते ही मन ही मन हंसने लगता है। फिर वो अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगती है कि मेरा हस्बैंड इतना रिच है, ये काम करता है, इतने सारे पैसे उसके पास है। ये बात सुनकर हारू मन में ही हंस रहा होता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि तुम देख रह सकते हो कि मेरा हस्बैंड की पर्सनैलिटी और लुक्स कितने अच्छे हैं। फिर हारू यहाँ पर हंस देता है, जहाँ पर मिनी को गुस्सा आने लगता है, और मिनी बाद में शाह से पूछते कि आखिर तुमने इसके साथ शादी कैसे कर ली, क्या ये तुम्हारे नीड्स को पूरी कर पा रहा है। फिर बाद में शाह से कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरे खुद के पैसे हैं। मिनी उससे पूछती कि तुम करती क्या हो, तो शाह उसे बताने लगती है कि मैं स्काई पैलेस ग्रुप की मालकिन हूँ। ये चीज़ सुनते ही मिनी के होश और आवाज उठ जाते हैं, और वो सोचने लगती कि हारू और ये दोनों आखिर मिले कहाँ पर होंगे। फिर बाद में वो लोग वहाँ से अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर गेट पर खड़े होता है गार्ड और साथ ही साथ में जी यहाँ पर हारू को देखते हुए उसे अंदर जाने से मना कर देता है। हारू कहता है कि मैं यहाँ का स्पेशल गेस्ट हूँ। जी बोलता है कि कब तक तुम अपना डिंगे मारते रहोगे, अब तो अपना मुंह बंद रखो, ये मेरे अंकल की बर्थडे पार्टी है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। फिर उतने में वहाँ पर शाह आ जाती है, जो हारू का साइड लेने लगती है। जी उसे कहता है कि देखो अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो आ सकती हो, लेकिन ये तुम्हारा हस्बैंड हारू ये अंदर नहीं आ सकता। तो शाह भी कहती है कि ठीक है मुझे भी अंदर नहीं आना, अगर हम अंदर आएंगे तो हम दोनों साथ में आएंगे। इसके बाद में सामने से मिनी और उसका हस्बैंड आने लगते हैं, जहाँ पर मिनी जी से बात करने लगती है। जी बोलते कि तुम अपने आपको समझती क्या हो जो मुझसे हाथ मिलाने चली आई। फिर यहाँ पर वो बताने लगती कि मैं हूँ और ये मेरा हस्बैंड है जो बहुत फेमस डॉक्टर है। बाद में जी को याद आने लगता है कि मेरे अंकल को किसी डॉक्टर ने ठीक किया था, और बाद में वो डॉक्टर को वही मानने लगता है कि शायद से यही होगा जिसने मेरे अंकल को ठीक किया होगा। तो वो उसे प्रेस करने लगता है और उन दोनों को अंदर भेज देता है, जहाँ पर मिनी मजाक उड़ाने लगती है हारू का और तो और शाह का। फिर इसके बाद में वो लोग यहाँ पर वेट ही कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो गार्ड से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो गार्ड बोलता है पता है मुझे आप कौन हो, आपके पास इन्विटेशन नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। इतने में वहाँ पर शाह के डैड और उसकी असिस्टेंट आ जाती है, तो शाह उन्हें बताने लगती है कि हारू ने मुझे कहा था कि वो मुझे अंदर लेकर जाएगा, पर अब यहाँ पर हम फंस गए। असिस्टेंट बोलने लगती कि मुझे पहले से पता था कि ये किसी काम का नहीं है। फिर उसके डैड उन्हें इन्विटेशन कार्ड देते हैं, एंड इसके बाद में वो असिस्टेंट गार्ड कॉल लगा लेता है जी को, लेकिन जी उनमें से किसी को भी अंदर आने से मना कर देता है। फिर हारू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, और यहाँ पर वो मिस्टर जियान को कॉल लगा लेता है, लेकिन उनका नेटवर्क इतना स्लो होता है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद में वो असिस्टेंट उन सबको अंदर आने के लिए बोल देता है। फिर बाद में वो लोग वाइन पीने लगते हैं, एंड तभी मिस्टर जैन का कॉल आता है जो उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन हारू उनसे कह रहे थे कि कोई बात नहीं मैं अंदर ऑलरेडी आ चुका हूँ इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में वहाँ से मिनी आ जाती है, जो बोलने लगती है कि लगता है बहुत ज़्यादा प्लीज करने के बाद तुम सभी को अंदर आने दिया गया है। इसके बाद में वो यहाँ पर मिस्टर गोंग को देखती है और अपने हस्बैंड से बताने लगती है कि तुम देख रहे हो ये दोनों मिले जुड़े हैं, और यहाँ पर उस दिन सिग्नल पर वो लोग मेरी स्कर्ट की फोटो ले रहे थे, और जब मैंने उन्हें पकड़ लिया तो वो लोग झूठ झूठ बोलने लगे। मिस्टर गोंग बोलने लगते तुम्हारा हस्बैंड, मुझे तो लगा ये तुम्हारा डैड है। तो फिर मिनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगती है और कहने लगती है कि आपको पता नहीं है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जी के अंकल को यानी कि मिस्टर जैन को ठीक किया है। आप लोगों को क्या पता होगा, आप तो बहुत छोटे हो और मेरा हस्बैंड वो तो बहुत बड़ा है, आप लोग उसके लेवल तक कभी भी नहीं आ सकते। फिर यहाँ पर शाह को गुस्सा आता है तो वो जाने लगती है, और मिनी शाह के बीच में पैर डाल देती है जहाँ पर शाह गिरने वाली थी, लेकिन हारू उसे पकड़ लेता है, और यहाँ पर हारू को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो मिनी
को थप्पड़ मार देता है और उस पर चिल्ला उठता है। मिनी यहाँ पर बाद में गार्ड को बुलाकर बताने लगती है और गार्ड जो होता है वो मिनी और उसके हस्बैंड का साइड लेने लगता है। फिर बाद में हारून ने कहता है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, तुम्हें पता है वो गलत है लेकिन फिर भी तुम उनका साइड ले रहे हो। गार्ड बोलता है कि हाँ मैं तो ऐसा ही करूंगा क्योंकि तुम्हें पता है ये कौन है, ये ग्रेट मास्टर डॉक्टर है जिन्होंने हमारे बॉस को ठीक किया है। हारून यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि आखिर ये इंसान कब तक झूठ बोलेगा, मैं वो इंसान हूँ जिसने मिस्टर जान को ठीक किया है। लेकिन यहाँ पर वो किसी को कुछ बोलता नहीं और तब वो गार्ड उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि नील डाउन करके माफी मांगना वरना तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर बाद में गार्ड जाने लगते हैं जो उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन हारू अपनी पावर से उन्हें बहुत जोर से धक्का मार देता है। इसके बाद में उन सबके बीच में झगड़ा होने लगता है और उन झगड़े की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर एंट्री हो जाती है हुओ के डैड की, जहाँ पर हुओ के डैड आ जाते हैं और तो और मिनी का हस्बैंड उन्हें सब कुछ बताने लगता है। हुओ को डैड को कहानी सुन के बड़ा बुरा लगता है तो पूछने लगता है कि आखिर कौन है वो जिन्होंने इनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। यहाँ पर बाद में हारू सामने आता है तो हुओ का डैड उसे मिलकर बहुत खुश होता है और बाद में वो उसके हस्बैंड को ही चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर फेक आइडेंटिटी लेकर आए हो, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम यहाँ पर घसीट कर बाहर निकलवा सकता हो। फिर इसके बाद में वो और हारू आपस में बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जी आ जाता है जहाँ पर हुआ कि डर और जी में झगड़ा होने लगता है। तो फिर उसके डैड बोलने लगते कि तुम देख लेना तुम्हारे अंकल जियान भी हारू का साइड लेंगे, तुम्हारा साइड नहीं। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर जी का पोपट हो जाता है। इसके बाद में वो लोग मिस्टर जियान से बात करने लगते हैं जहाँ पर हुआ का डर उन्हें कहने लगता है कि आखिर कब तक हम अच्छे लोगों के साथ गलत करते रहेंगे, अगर आपकी बर्थडे पार्टी है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सभी लोगों को पता हो कि आखिर गेस्ट कौन है, लेकिन यहाँ पर गेस्ट के साथ ही बदतमीजी की जा रही थी। ये बात सुनकर मिस्टर जियान को गुस्सा आ जाता है तो वो पूछने लगते कि आखिर वो कौन है जिसने ऐसा किया, और यहाँ पर मिस्टर हुओ के डैड उस बॉडीगार्ड को ला देते जहाँ पर वो बॉडीगार्ड उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर जियान तो उसे वहाँ से निकाल देते हैं और तो और अपनी जॉब से भी फायर कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर जियान कहने लगता है कि मैं अब उस फेमस और तो और मेरे सबसे करीबी गेस्ट डॉक्टर को बुलाना चाहता हूँ, और यहाँ पर वो हारू का नाम ले लेता है लेकिन वो उसका सरनेम लेता है, जहाँ पर मिनी के हस्बैंड का सरनेम भी सेम होता है। तो उसका हस्बैंड जाकर वहाँ पर स्पीच देने लगता है जहाँ पर मिस्टर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे स्टेज से उतरने के लिए बोलता है। फिर बाद में वो हारू को स्टेज पर बुलाता है और सभी को बताता है कि किस तरीके से हारू ने उनकी जान बचाई है। यहाँ पर मिनी और उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी यकीन नहीं होता इस बात पर, साथ ही साथ उसकी असिस्टेंट मन ही मन जेलस फील करने लगती है कि अब अपने बॉस जी को क्या बताएगी। दूसरा जी क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है जहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। दूसरे यहाँ पर शाओ और हारू घर पर होते हैं जहाँ पर हारू कहता है कि अब तो तुम हार गई, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बोलूंगा। फिर बाद में वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलना चाहता हूँ, और यहाँ पर वो उसे अपनी मॉम के घर पर लेकर आता है मॉम से मिलवाने के लिए। उसकी मॉम शाओ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे एकदम प्रिटी और ब्यूटीफुल लेडी पुकारने लगती है। फिर वो उसे बिठाती है और उसके बारे में बातें करने लगती है और तो वो कहने लगती है कि कभी भी अगर तुम्हें इस बुद्धू इंसान यानी कि मेरे बेटे हारू ने परेशान किया तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, मैं इसकी सबक अच्छे से लूंगी। और हाँ कोई भी घर का काम मत करना, सारा काम इसी से करवाना, तुम बस महारानी की तरह आराम करना और अपनी लाइफ अच्छे से जीना, मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर बाद में वो उसे ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के बारे में बात करने लगती है जहाँ वो बेचारी शाओ तो बहुत शाय फील करने लगती है। इसके बाद में उसकी मॉम डिनर बनाने के लिए चली जाती है जहाँ पर हारू और शाओ आपस में बैठे होते हैं और धीरे धीरे शाओ को हारू पसंद आने लगता है, जहाँ पर हारू उसे कंधों पर हाथ रखने की कोशिश करता है तो शाओ खुद ब खुद उसके शोल्डर पर अपना हेड रख देती है और वो लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। इतने में उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है जो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी और शाओ उन्हें देखकर डर जाती है। फिर वो लोग डिनर करने बैठते हैं जहाँ पर उसकी मॉम हारू के स्ट्रगल्स को बताने लगती है। यहाँ पर धीरे धीरे शाओ को हारू का अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बनने लगता है और वो उसके प्यार में पड़ने लगती है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम एक बार फिर से उन्हें याद दिलाती है ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के बारे में। हारू उनसे कहने लगता है कि मॉम अभी तो हम छोटे हैं, अभी बहुत टाइम है बच्चों को आने के लिए। इसके बाद में वो दोनों बाहर चले जाते हैं जहाँ पर शाओ हारू से बात कर रही होती है कि तुम्हारी मॉम ने हमें उस बारे में बताया था तो तुम्हारा क्या ख्याल है। हारू पूछने लगता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर वो कहती है कि अरे वही बात जो तुम्हारी मॉम बता रही थी। यहाँ पर हारू को समझ नहीं आ रहा होता है कि शाओ बोल क्या रही थी, तो शाओ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हारू इशारों इशारों की बातें समझ नहीं पा रहा था।
फिर इसके बाद में यहाँ पर कॉल आ जाता है शाकोस के डैड का, जहाँ पर जी ने उसके डैड को किडनैप कर लिया होता है। फिर बाद में वो लोग उस लोकेशन में पहुँच जाते हैं। जी इतना चलाक होता है, उसके डैड को तो छोड़ देता है, बट यहाँ पर वो गला पकड़ लेता है शाओ का, क्योंकि उसे पता है कि हारू की वीक पॉइंट शाओ है। तो फिर वो कह देता है कि अगर तुमने मुझे इतने पैसे और कंपनी सारी की सारी चीज़ें मेरे नाम पर नहीं की, तो मैं इसे अभी के अभी यहाँ पर मार डालूंगा। फिर बाद में यहाँ पर हमारा हारू अपने तंत्र मंत्र यूज़ करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो मैजिक से शाओ को उसके चंगुल से छुड़ा देता है। फिर वो उसे पीटने लगता है, जहाँ पर जी घायल हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हारू अपनी शाओ को उठाकर ले जाने लगता है और उसे बचा लेता है। फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।